वेलकम टू अंजुम का किचन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत के साथ होंगे। आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं पपीते और दही का जूस, जो कि हाजमे के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है और गर्मी में अक्सर हमको एसिडिटी हो जाती है, तो उसके लिए बहुत ही मुफीद, बहुत ही फायदेमंद है जूस। लिया है पपीता कटा हुआ और हमने लिए 250 ग्राम दही। पपीता और दही आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं इसकी क्वांटिटी को, और यहाँ पे हमने लिए एक कटोरी शक्कर, इसकी क्वांटिटी को भी आप कम या ज्यादा कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने एक जूसर जार ले लिया है, अब हम इसमें ऐड कर देंगे कटा हुआ पपैया। और साथ ही साथ ऐड कर देंगे दही। शक्कर। और इसे ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेंगे अच्छे से। जूस हमारा रेडी हो चुका है, अब हम इसे सर्विंग ग्लास में सर्व कर लेंगे। हमने ग्लास को अमूल फ्रेश क्रीम से ग्रीस कर लिया है और ऊपर से थोड़ी अमूल फ्रेश क्रीम हमने ऐड की है, ये देखिए। और पपीते की एक कटी हुई स्लाइस को हमने ग्लास पे रख लिया है। पपैया जूस बनके हमारा रेडी हो चुका है। कैसी लगी हमारी रेसिपी आपको? अगर अच्छी लगी तो आप भी अपने घर पे जरूर ट्राई कीजिए। हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं एक मजेदार रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।